आप देख रहे हैं। देखिए, मैंने अभी भी कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे हुए, कुछ गारंटियां दी गई, ना तो गारंटियां पूरी हो रही हैं। लोग हमें पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं, वो वायदों का क्या हो रहा है? नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनकी भी नौकरियां होल्ड कर ली हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तानाशाह बन गए थे और हमेशा जलील करते थे, विधायकों के चुने विधायकों की सुनाई नहीं होती थी। वहाँ सरकार जो चल रही है विधायकों के माध्यम से नहीं चल रही है, वहाँ पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनके मित्रों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो वेंटिलेटर पे है और आज पूरे देश में कांग्रेस में जो है पूरी तरह पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें पूरी तरह जो है देश में सफाया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में परचम बुला रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार वेंटिलेटर पे है और जब वेंटिलेटर के पेशेंट का क्या हाल होता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं।